तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। मैं भी आपकी दुआ से एक नंबर फर्स्ट क्लास हूँ। और दोस्तों, अभी टाइम हो गया गुड मॉर्निंग का। तो गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय माता दी, खम्बा गनी और जय हिंद। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूँ एक ऐसी जगह, एक बहुत ही शानदार राजस्थान का फोर्ट है जिसको अजय दुर्ग भी बोलते हैं। इस फोर्ट को कोई भी शासक जीत नहीं सका था। और यह फोर्ट है डीग के अंदर, मतलब कि भरतपुर के अंदर। यह और ये आप पीछे तालाब देख रहे हो, इस फोर्ट की यह खासियत है ये तालाब पीछे वाला, जो कि 250 फुट चौड़ा है। और इस तालाब का निर्माण और इस फोर्ट का निर्माण करवाया था महाराजा सूरजमल ने, और ये जाटों ने इस फोर्ट का निर्माण कराया था। और जो यहाँ से इस तालाब की खुदाई से जो मिट्टी निकली थी, उन्हीं से इस फोर्ट की दीवारें बनाई गई है, जो लगभग 30 फुट ऊँची दीवार है और 20-25 फुट चौड़ी दीवारें हैं। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हो पीछे की तरफ, ये देखो, ये पूरा तालाब है। और इसी तालाब से जो निकला है मिट्टी, उनसे इन दीवारों का निर्माण किया है, जिससे कि यहाँ पे जो भी मुगल बादशाह या ब्रिटिश थे, उन्होंने यहाँ पे गोले बारूद दागे थे, लेकिन यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था उनके, क्योंकि सबके सब ये दीवारें हैं ना जो मिट्टी की, उनके अंदर जाके और गोले की जो पावर रहती थी, जो अग्नि रहती थी, वो शांत हो जाती थी। दोस्तों, आप देख सकते हो, और इस फोर्ट के अंदर कुछ नहीं है, यहाँ पे ओनली एक संग्रहालय है। और ये फोर्ट की दीवारें देख सकते हो यहाँ पे, और इसके अलावा आपको यहाँ कुछ देखने को नहीं मिलेगा। और ये एक छोटा सा पार्क है, इस पार्क से आओ, फोर्ट की दीवारें देख लो, तालाब देख लो और संग्रहालय देख लो। तो संग्रहालय मैं आपको दिखाता हूँ, 31 रुपये की उसकी टिकट है। अच्छा, लोहागढ़ फोर्ट मोड मोट। तो दोस्तों, आपके पीछे दिख रहा है क्या, ये भरतपुर म्यूजियम है। और यहाँ पे देखने के लिए बस ये एक ही जगह है भरतपुर के अंदर। तो दोस्तों, इसके अंदर कुछ नहीं है, यहाँ पे ओनली आपको शस्त्रागार मिलेगा। यहाँ पे शस्त्र वस्त्र जो भी है उनके सामान है अंदर की तरफ, और आपको ऊपर दिख जाएगा। और ये अभी 1944 में बना हुआ है भरतपुर संग्रहालय। ये देखो, इधर आप खड़ा ही देखो, देख पड़ी दोस्तों, इसके अंदर सब आई हुई है, ये मतलब कि खुदाई के अंदर निकली थी, जब भरतपुर फोर्ट की खुदाई हुई थी ना, तो उनके अंदर ये आप देख सकते हो 8वीं सेंचुरी। यह गजेंद्र भाग, और ये भी 11वीं सेंचुरी गजेंद्र।
और ये है शिखर खंड, ये भी 11वीं शिखर का। तो दोस्तों ये है हाथी दांत का, हाथी दांत की धातु और 1800 सेंचुरी में बनी हुई है। और इनके आप जो इन पे देखोगे ना अलग अलग चित्र बने हुए हैं, जैसे शेर के, ये भी शेर का है। तो ये छोटी छोटी तलवारें हैं जो कि आप देख सकते हो। चला लो मना करे तरफ लेना। तो ये देखो दोस्तों बंदूक है, जो कि अलग अलग शासकों की अलग अलग बंदूकें थी। सबसे बढ़िया ये वाली तिरछी भी ये, और ये भाई साहब कितनी बढ़िया है। और ये इधर भी आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। और ये सबसे छोटी जो रानियाँ रखी थी अपने पास में, इसके अंदर छुर्रा भी है। और ये फिर छोटी मोटी तलवार है, और इस तलवारों को विभिन्न प्रकार की पट्टा। और जो इसका ये देखो हाथ, इसको बोलते हैं मुठ, बोलते हैं इनको मुठ, जो हाथों में पकड़ते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे फूल युक्त ढाल 1819वीं शताब्दी में, तो वही सूरजमल के समय की है सारी तलवारें। और ये देखो ये बंदूकें हैं जो कि आप 18वीं शताब्दी के सूरजमल के समय की। सबसे शानदार तो ये है एक नाली की बंदूक है। इन बंदूकों को ऊँटों के ऊपर छोड़ा जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो पीछे पूरा म्यूजियम है, और इस म्यूजियम के अंदर आपको बंदूकें देखने को मिलेगी, हथियार देखने को मिलेंगे, और छोटे मोटे जो भी बारूद भरने के, बंदूकों के अंदर भरने के औजार। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक और म्यूजियम के अंदर, चित्रकला। तो यहाँ चित्रकला है। और यहाँ भी आपको पेंटिंग देखने को मिल जाएगी, यह जसवंत सिंह की। और यह आदम जमाने का पंखा सर्दियों के अंदर, यहाँ से चिमनी लगी हुई है, इसका धुआं आपको ऊपर की तरफ निकल जाता है। और ये है बलवंत सिंह जी की फोटो। दोस्तों अब ये सामने आ गया आपके मेटल आर्ट। यहाँ पे आपको मेटल की जो भी सिक्के विक्के हैं वो देखने को मिलेंगे, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। पीछे की तरफ देखो यहाँ पे मेटल के प्रोडक्ट जो भी हैं, जो भी पहले के ज़माने में बने हुए थे। और ये देखो 19वीं सदी के अंदर बने हुए हैं ये मेटल के अलग अलग। ये आ गया एक तांबा का, जिसके अंदर आप कारीगरी देखो, इसके अंदर पूरी
पूरा मतलब कि युद्ध करते हुए हाथियों को, और ये पहले की कलाकारी थी। ये देखो सबसे सबसे बड़ा लैंप, जिसके भी लैंप की ज़रूरत है, ये राजा रानियों के लैंप है। ये भी है, यहाँ से खोलो बत्ती जलाओ, और ये भी लैंप ही है। ये सब लैंप है आपको जो दिख रहे हैं। ये देखो शेष नाग जी, नाग देवता, ये रहे नाग देवता जी। सिक्के जो कि आप देख सकते हो, भरतपुरी सिक्के अलग अलग, ये यहाँ के इनके जो भी बेच है। ये देखो, ये दोस्तों हवा डालने के काम आता है, जो कि आप देख सकते हो कितनी बढ़िया तरीके से बंधा हुआ है ये। और इधर सामने भी देख सकते हो आप, श्रृंगार का सामान है ये, श्रृंगार का, इसमें आप देख सकते हो दोस्तों। इसके अंदर आप देख सकते हो बंदूकें ही बंदूकें पड़ी हैं तैयार होने के लिए, बंदूकें भाले। ये भी आपके सामने एक छोटा सा श्रृंगार का खाने का आइटम, देखो प्लेटें हैं, ये चमचा है, चम्मच वगैरह। तो आपने देख लिया होगा इस पूरे को, एक बार आप और निहार सकते हो, मतलब श्रृंगार का सामान के लिए। ये देखो ये बहुत पुरानी पुरानी है, जो कि सामने आप देख रहे हो 20वीं शताब्दी की है ये। और ये कांच देखो आप, मतलब इसमें चेहरा नहीं दिखेगा आपको, अब दिखेगा क्या ये तो मेरे को। अच्छा इधर से लाइक ठोक दो, लाइक 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 कर दो, लाइक वीडियो को लाइक जो भी है। ये देखो क्या बेहतरीन नज़ारे हैं, सेम है ये ब्लू पॉटरी जो कि मान सिंह लेके आए थे। और ये यहाँ पे आपको और भी छोटे मोटे देखने को मिल जाएंगे, रियासत कालीन 20वीं शताब्दी के। और सामने भी है पोर्ट वगैरह, इधर शंख वगैरह। और यह है राजा का मेन कक्ष, यहाँ राजा बैठते थे, प्रजा सामने। यहाँ ऊपर रानियाँ, नीचे राजा, और यहाँ पे दरबार लगता था राजा का। यहाँ पे दरबार लगता था और यहाँ प्रजा बैठी रहती थी, प्रजा तो क्या थी यहाँ पे। और ये आप देखो ऊपर से नज़ारा देखो आप। तो इस म्यूजियम की सबसे अच्छी बात है यहाँ का ये बगीचा, और इस बाग के अंदर जो ये लगे हुए हैं, ये देखो कितने बढ़िया शानदार, पीछे आप देख ही रहे हो। और जैसे 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 घूमोगे यहाँ दोस्तों, पीछे की तरफ आपको पता है दरबार लगता था, और इस दरबार का आपको एक अच्छा सा व्यू दूँ तो हम ऊपर और जाते हैं, और यहाँ से देखो इसका व्यू ले सकते हो आप पीछे का पूरा। इधर से इधर ही आ गया भरतपुर पूरा, और जैसे जैसे घूमोगे आप ये सामने आ जाएगा कमला महल। ये दोस्तों आप देख सकते हो कमला महल, पीछे से नज़ारा। ये देखो इन महलों में पहले रहते थे, अब ये सब खंडरनुमा हो चुके हैं, कोई नहीं रहता यहाँ पे। और दोस्तों ये देखो आप एक बहुत ही शानदार नज़ारा मंदिर का, जो कि ये घंटियाँ बंधी हुई है। अब ये क्यों बंधी हुई है ये आइडिया नहीं है। और सामने आपको तोहफ़खाना दिख जाएगा, सामने तोहफे पड़ी है, दो तोहफ़ इधर है, दो उधर है बड़ी तोहफ़। और सामने इसमें यहाँ पे ये माहौल है। तो दोस्तों ये है प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जो तोहफ़ काम में ली गई थी, जो कि आप देख सकते हो
फुल कवर। गुप्त गुप्त है क्या नीचे है? और ये दोस्तों आ गया है हमाम, जिसको बोलते हैं स्नानाघर। और आप ये रहा, यहाँ पे फुहारे चलते थे, रानियाँ नहाती थी। ये देखो ऊपर की कारीगरी जो की गई है, आपको बहुत ही बारीकी से देखने को मिल रही है। और ये है स्नानाघर, यहाँ पे राजा या रानियों का स्नान कक्ष। Not interested यार। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो। अच्छा ये चेंजिंग रूम, यहाँ से कपड़े वपड़े चेंज हुए। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं धमाका एरिया में, और ये आ गए हम। ये है दोस्तों यहाँ का टॉयलेट, तो आप देख सकते हो धम धम। और ये आपको लास्ट एंडिंग, यहाँ भी आपको 15वीं। ये देखो खंडित मूर्तियां भी हैं यहाँ पे इनकी, और ये अंदर भी आप देख सकते हो अलग अलग। ये सेन मुद्रा में विष्णु जी, सबसे बड़ी मूर्ति यही है, और इसकी सन है, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये भी 11वीं शताब्दी के पार्श्वनाथ जी की मूर्ति। ये देखो दोस्तों पहले के ज़माने के पार्श्वनाथ जी, क्या शानदार कलाकृति है ये सुवर की। 8वीं सेंचुरी में भी देखो आप किस प्रकार से बना सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत वहाँ से हुई थी, और उधर से जाते हुए ऊपर, फिर ऊपर चढ़ गए, फिर आप इधर आओ, इधर आने के बाद में फिर ये लास्ट पोर्शन है आपका। और इस पोर्शन में आपको मूर्तियाँ देखने के बाद में, और यहाँ से अब हम लेते हैं एग्जिट। ये देखो सामने से आप धरोहर का नज़ारा, जो कि पूरा भरतपुर का नज़ारा है, देख सकते हो आप ये सामने का नज़ारा। ये देखो आपको पूरा यहाँ से दर्शन। कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर जो नए हो, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करना। और इस जगह से आपने पूरा भरतपुर का नज़ारा देख लिया है, और ये भरतपुर का म्यूजियम है, जो कि यहाँ पे एक ही चीज़ है देखने लायक। तो आप इस जगह आ सकते हो, और यहाँ आके आप पूरा एंजॉय कर सकते हो। तो अब लेते हैं हम इस जगह से विदा, और यहाँ से चलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। और अगर वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, शेयर कर देना, जितना हो सके दबा के शेयर करो। और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके बाय।